नमस्कार, गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेक गुप्ता। और नीट में खाली 5 दिन बचे हैं, फिर भी एक अपडेट, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हर कॉलेज में NRI सीट्स होती हैं, और उसमें चूँकि मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट है तो गार्जियन NRI अलाउ करता है, विच मीन्स आपके भाई फर्स्ट ब्लड रिलेशन नहीं भी है तो भी आप NRI स्पॉन्सर्ड सीट ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है कि घबराने की बात नहीं है। आप अगर मध्य प्रदेश के NRI सीट ले रहे हैं तो आपके पेपर जेन्युइन माने जाएंगे, उन पेपरों में कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से अलाउड है। तो जो मध्य प्रदेश की नोटिफिकेशन आती है हर साल, उसमें अलाउड होता है। तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि कोई घबराने की बात नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल अलाउड होता है NRI सीट लेना। अब जनरली इन्होंने क्या कर रखा है, जो फीस है वो काफ़ी हैवी रखी हुई है, अदर देन हार्डी गाल्टी, जिसकी वजह से NRI फीस 23 लाख रुपए साल की है, सेम 4.5 साल की फीस जाती है। और आर्डी गाल्टी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो कोई डिस्काउंट नहीं देता, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कॉलेज इन उज्जैन। और साथ में ये भी बता दूँ कि इस साल अगर आप किसी कंसल्टेंट से टच में हैं तो जो मेरे पास खबर आई है उसमें आर्डी गाल्टी की NRI सीटों की जो बुकिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, ओके। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज हैं, अगर मैं भोपाल से स्टार्ट करूं तो भोपाल में आपको रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज, जैसे कि हम RKMC बोलते हैं, चिरायु, LN मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज, महावीर मेडिकल कॉलेज, ये 5 हैं जो कि भोपाल में हैं। उसके बाद इंदौर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि LN, इंडेक्स, औरबिंदो, इसके अलावा इंदौर के पास में अमलतास और एक सुख सागर है जबलपुर, राइट। ये गिन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन सब में आपको एक डिस्काउंट और पैकेज मिल जाता है, तो आपको फुल NRI की फ़ीस उतनी नहीं देनी होती जितनी कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके मुकाबले काफ़ी कम देनी होती है। और इस समय वो पैकेज चल रहा है, लेकिन हाँ, तो जब वो रिबेट देते हैं तो अक्सर ऐसा रहता है कि एक लमसम अमाउंट फर्स्ट ईयर में लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लाइक कर्नाटका में जो IQ कोटा होता है तो तकरीबन आधी फ़ीस आपको फर्स्ट ईयर में देनी पड़ेगी, और उसमें कुछ चेक से जाएगा, कुछ कैश से जाएगा, और बाकी जो फीस हैं वो हर साल आप अकाउंट में देते हैं, ठीक है। तो बाकी जितनी भी कॉलेजेस हैं उनकी बुकिंग फ़िलहाल स्टार्ट है, और आरडी गाल्टी जैसा मैंने कहा टफ है। सिमिलरली औरबिंदो इंदौर बहुत फेमस कॉलेज है, उसका भी पैकेज काफ़ी हाई जाता है, और इट्स अ वेरी रिनोन्ड कॉलेज। तो मतलब आपको हॉस्टल मिला के वो भी 1.6 का पड़ता है, जिसमें शायद आपको प्रैक्टिकली DY पाटिल ही मिल जाएगा। बट उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं लाइक अमलतास, चिरायु, पीपल, अक्सर ऐसा होता है कि वो आपका काम सवाई में, उसमें भी देख फ़र्क है, मतलब अमलतास वगैरह में जाएंगे तो आपका काम 1-1.5 में भी हो जाता है। और मैं रिपीट करता हूँ, यू नीड टू हैव अ कंसल्टेंट जो कि रिलायबल हो, जिसके शब्दों की वैल्यू हो, और जो जब आपको जो काउंसलिंग में हेल्प करके या आपके साथ कमिटमेंट कराएगा, तो वो जो NRI के पेपर्स हैं या वो खुद बनवाएंगे, आप अगर आप गार्जियन के थ्रू जा रहे हो और आपका असली में नहीं है, तो पेपर रिलायबल हो, ठीक हो। और दूसरा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कॉलेज में इतनी कमिटमेंट हो, इतना वर्ल्ड हो कि आपका जो अग्रीमेंट साइन होगा वो 5 साल तक वैलिड रहे। कभी कभार पता चलता है कि आप सीट ले लेते हो और पता चलता है फिर आपको पूरी फीस देनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ओके। बिकॉज अब जैसे ही नीट का स्कोर आ जाएगा उसके बाद तो इमिजिएटली ये काम बहुत तेज़ी से होगा, और आप मान के चलिए ये सीटें अक्सर 15-20 मई तक ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद आप किसी से टच में हैं तो आप सिर्फ टाइम पास करेंगे या वो आपके साथ टाइम पास करेगा, ओके। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आप जानते हैं हमारा नंबर 9643362320, और चूँकि फिर से हमसे बात करनी है 2500 रुपये फ़ोन पे, 5000 रुपये मिलने के या जूम कॉल के, और अगर आपको मध्य प्रदेश की ये सीट हमारे थ्रू चाहिए तो आप हमारे 4th ब्रैकेट में आएंगे, विच इज़ 1.5 लाख जो हमारी फ़ीस होती है, जिसमें हम NRI या मैनेजमेंट कोटा का कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, तो वो फीस आपको हमको भी देनी पड़ेगी, ओके। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।